नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गजेंद्र कुमार। आपका केमिस्ट्री वाले चैनल पर स्वागत है। मैं आपको हमारे जो यूपी बोर्ड के जो पेपर आने वाले हैं उसके लिए जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसके लिए आज मैं आपके लिए दो रिएक्शन लेके आया हूँ, जिनमें से लगभग दोनों ही कंपलसरी होती हैं, जो लगभग आएंगे ही आपके पेपर में। तो मैं आपको एक रिएक्शन बताऊँगा। सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन अपन लोग देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आपको लिखा दिख रहा होगा जे लिखा, कैनी जारो अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कैनोजारी रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, तो आपको जो दिख रहा इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड आप जानते हो, कोई भी बेंजीन हो उसके साथ अपन लोग सी एच ओ ग्रुप के जोड़ देते, जो एल्डिहाइड ग्रुप रहता तो अपना क्या बन जाता, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अपन लोग किससे कराते हैं, बेंजल्डिहाइड की अपन लोग रिएक्शन बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते, जिसका फॉर्मूला क्या होता, NaOH। तो अपन लोगों को जब इसकी रिएक्शन को जब अपन लोग इसे हीट करते तो अपन लोगों को क्या प्राप्त होता, बेंजाइल अल्कोहल। बेसिकली अभी बेंजाइल अल्कोहल क्या होता, बेंजाइल अल्कोहल और बेंजिल अल्कोहल क्या होता, बेंजाइल अल्कोहल जब अपन लोग बेंजीन में कोई CH2OH ग्रुप जोड़ देते, ये दिख रहा CH2OH ग्रुप जोड़ देते तो वो क्या बन जाता, बेंजाइल अल्कोहल, और प्लेस में अपना क्या निकल जाता, सोडियम बेंजोएट। तो बेसिकली अपन लोगों ने तो जो सीख लिया, अब इसे अपन लोग लिखेंगे कैसे बेसिकली, तो मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। तो मैं तो बेसिकली आप लोग इतने हो कि मैं बोल के बता दूँ तो आप लिख सकते हो। तो जब हम किसी बेंजल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा उसे गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। हम कैनिजारो अभिक्रिया क्यों कहते, क्योंकि इस अभिक्रिया को जिस वैज्ञानिक ने दिया था उस वैज्ञानिक का नाम ही कैनिजारो था, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। तो बेसिकली इसका जो अपन लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला, बेसिकली इसे C6H5CHO के रूप में भी लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, C6H5CHO के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। फिर इसके बाद अपन लोगों को जो आपको नीचे दिख रही होगी, जो नीचे जो रिएक्शन है वो क्या है, कार्बिल एमिन अभिक्रिया। कार्बिल एमिन अभिक्रिया को ही कोई अपन लोगों ने एनिलीन ली, क्या ली, एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला तो पता है, कोई बेंजीन ग्रुप होगा उसमें NH2 जोड़ दो तो वो क्या बन जाती, एनिलीन। एनिलीन के ऊपर लोग किससे क्रिया कराते हैं, क्लोरोफॉर्म दिख रहा जिसे हम CHCl3 कहते हैं, CHCl3। बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, इससे नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं अगला वीडियो लेके भी आपके लिए अलग से आऊँगा। तो अपन लोग एनिलीन ली, क्लोरोफॉर्म लिया, उसके साथ KOH ले लिया, तो इसके साथ अपन लोगों को क्या बनेगा, जे जो आपको दिख रहा है वो NC है, क्या है, NC, जिसे अपन लोग फेनिल आइसोसाइनेट कहते, क्या कहते हैं, फेनिल आइसोसाइनेट। फेनिल आइसोसाइनेट बनेगा जिसे हम C6H5NC भी कह सकते हैं। फेनिल आइसोसाइनेट का जो फॉर्मूला होता है वो C6H5NC, NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड। NC को साइनाइड होता है, उसे अपन लोग CN बोलते हैं। इसका उल्टा कर दें अपन लोग NC, NC का मतलब क्या होता है, आइसोसाइनाइड। तो इसका फॉर्मूला होगा फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा और अपन लोग क्या बनेगा, KCl बनेगा 3 और 3 H2O। अब इसमें आप लोगों को दिक्कत होगी, कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया सर ये दो कैसे निकले, तो यहाँ पे अपन लोग इसके 2 मॉलिक्यूल लेते, कितने मॉलिक्यूल लेते, 2 मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल लिए। तो आप कहो तो मैं मैकेनिज्म भी बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूँ, 2 मॉलिक्यूल इसके लिए। तो जब इसे अपन लोग तोड़ेंगे तो ये सीधा दिख रहा है, ये NaOH, NaOH दिख रहा, तो इसका जो H आके वो यहाँ जुड़ जाएगा, अरे समझ में। तो NaOH के भी अपन लोगों ने कितने मॉलिक्यूल लिए होंगे, 2 मॉलिक्यूल, वो बात अलग है। तो H यहाँ से जुड़ जाएगा तो CH2OH बन जाएगा आपका, CH2OH, CH2OH बना क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। फिर बचा COONa, तो ये सीधा यहाँ निकल जाता, तो आपका आसानी से कैनिजारो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती।
और इसी तरीके से मैं आपको अगली अगली रिएक्शन भी लेके आऊँगा, इम्पॉर्टेंट जितनी भी इंटर की आपकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो सभी लेके आने वाला हूँ दोस्तों मैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास फटाफट आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूंगा, जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन डालूंगा, क्योंकि आपके लिए इंटर में बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन आने वाली हैं, क्योंकि यही रिएक्शन होती हैं जिनमें हमारे नंबर नहीं कटते। कुछ नहीं लिखना पड़ता, बस इसका लिख दिया और एग्जाम्पल के समीकरण के तौर पर अपने जे डाल दिया, पूरे के पूरे नंबर, कोई भी एग्जामिनर दोस्तों नंबर नहीं काटते आपके। तो बस यही एक आइडिया होता जिससे हम केमिस्ट्री में पूरे में से पूरी रिएक्शन लेके आ सकते, वो भी रिएक्शन में। और रिएक्शन अपन लोगों को याद नहीं करनी पड़ती, बेसिकली ऐसे ही बस कुछ इक्वेशन हुए वो बनाते जाओ और आसानी से। ये नाम वाली तो दोस्तों आपको याद ही करने दिया, थे किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने पूछा गजेंद्र, मेरा नाम गजेंद्र कुमार है, तो वो तो नाम है मेरा। तो ऐसे ही कहनी जा रहा हूँ अभिक्रिया है, तो वो तो बता नहीं, नाम से पूछेंगे तो उसकी इक्वेशन तो आपको बनानी ही पड़ेगी। तो आप इसे देख के से बस आराम से बना सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपके लिए मैं अगली वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा और जल्द ही लेके आऊँगा। ठीक है।